रीवा जिले में वरिष्ठ अधिकारियों की सह पर मनरेगा मजदूरों की कमाई को भ्रष्टाचारियों ने ले लिया है। रीवा जिले के 116 तालाबों में प्रत्येक की लागत 22,45,000 है, जिसमें 12 लाख रुपया मजदूरी का है। अमृत सरोवरों में 25,52,00,000 रुपया का मनरेगा में महाघोटाले का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां पर अमृत सरोवर के निर्माण में हर जगह फर्जी मस्टर रोल जारी कर मशीनों और जेसीबी से काम चलाया जा रहा है। इस तरह से भारी भरकम फर्जीवाड़े को लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा है कि यदि सरकार की मंशा है, जिला प्रशासन यही चाहता है, तो बेरोजगार युवाओं को काम दिया जाए, जो कि उन्होंने कर्ज में मशीनें और ट्रैक्टर खरीद रखे हैं, उन्हें ही काम दिया जाए। जिस तरह से राजस्थान और यूपी के यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं, क्या कॉमर्शियल रजिस्टर्ड है? किसके संरक्षण में चल रहे हैं? सरकार मजदूरों के नाम पर कास्ट बढ़ा रही है, तो मजदूर कहाँ हैं? हमारा चैलेंज है कलेक्टर और जिला सीईओ, किसी गांव में पंचायत के द्वारा चल रहे निर्माण कार्यों में मजदूर दिखा दे। जो सरपंच कहते हैं कि 203 रुपए में मजदूर नहीं मिलते, तो मध्य प्रदेश सरकार ने 334 रुपए न्यूनतम मजदूरी कर रखी है, वो मजदूरों को क्यों नहीं दिया जा रहा? जबकि यहाँ का एक युवा बेरोजगार जब कोई काम शुरू करता है तो श्रम विभाग आकर पूछता है, क्या फोन लगाओ, न्यूनतम मजदूरी देते हो या नहीं देते हो? आखिर सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कार्यों में न्यूनतम मजदूरी का कानून क्यों नहीं लागू है? पिछले 18 वर्षों की इस सरकार में विकास के नाम पे जो योजनाएं बनी और वो योजनाएं जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, उसके दुष्परिणाम हम महंगाई के रूप में झेल रहे हैं, क्योंकि उन योजनाओं के लिए जो बजट है, उस बजट के लिए सरकार नए नए कर लगाती है और वो कर हम टैक्स के रूप में देते हैं और महंगाई का बोझ झेल रहे हैं। और बेरोजगारी का आलम यह है कि रोजगार के कोई साधन नहीं है। हमारे बिंद के और रीवा के युवा दर दर बेरोजगारी के कारण रोजगार के लिए भटक रहे हैं और कुछ ने कर्ज ले लेके बैंकों से जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर खरीदे, लेकिन वो भी काम अब उनको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान और यूपी के ट्रैक्टर यहाँ के पंचायतों में काम कर रहे हैं। फर्जी मजदूर और फर्जी मास्टर दिखा के इन ट्रैक्टरों से काम कराया जा रहा है और इस भ्रष्टाचार में सफेदपोश लोगों के जो दलाल हैं वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और ये इन ट्रैक्टर के मालिकों से एक मुश्त राशि लेके शोषण कर रहे हैं। जिस तरह से पहले बलराम तालाब, हरियाली महोत्सव, खेल मैदान और कई तरह की योजनाओं के नाम पे लूट और भ्रष्टाचार हुआ, अब एक नया लूट अमृत सरोवर के नाम पे चल रही है, जो पुराने तालाबों को ऐसे ही वो राजस्थानी ट्रैक्टरों से थोड़ा बहुत छील दिया जा रहा है और उसमें राशि निकाली जा रही है। इस महाघोटाले के खिलाफ अगस्त क्रांति मंच हर संबंधित के सामने जाके गुहार लगा रही है, चीख रही है और कल सोमवार को हर कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद ये जो राजस्थानी ट्रैक्टर हैं, यूपी के ट्रैक्टर हैं, इनको सबको खड़ा कराया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की होगी। क्या ये ट्रैक्टर रीवा में कॉमर्शियल रजिस्टर्ड हैं? क्या यहाँ रीवा के आरटीओ में इन्होंने कोई टैक्स जमा किया है? ये बहुत बड़ा सवाल है।